आज के एपिसोड में स्पेशली तो उसने इतनी खींची है मेरी, जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई, मतलब अनलिमिटेड लेवल का। अभी वो हर्ष ने क्या बना दिया और वो अर्चना क्या समझ गई, पुनीत जे पाठक का मैं पुन्नू हो गया। अरे यार भारी पड़ गया ये वो डांस। अर्चना को मैं बोल दूं, बहना इसे सीरियसली मत लेना, ये हर्ष है, हर्ष ऐसे ही बोलते रहता है। बहुत अच्छा लगता है हर्ष के साथ काम करने में, ना ही इस शो में, इन जनरल लाइफ में, बिकॉज वी आर जेन्युइनली, मैं उसे अपना दोस्त, सही दोस्त मानता हूँ। बहुत सारी गुजराती कनेक्शन तो है ही, और हम लोग ने खतरों के खिलाड़ी से लेकर अब तक की जर्नी जो हमारी रही है, सही मायने में दोस्ती की रही है, भाई है, भाई जैसा है। तो जब ये शो का ऑफर आया, चैनल ने ऑफर किया, पता चला कि हर्ष और मैं दोनों साथ में ये शो को, मतलब विल बी द एंकर्स, तो बहुत खुशी हुई। और हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, कट होने के बाद, कट होने के अलावा, कैमरा के सामने, बहुत मजा आ रहा है। तो अब तक है ना, मुझे लोग एज अ डांसर पहले, फिर एज अ कोरियोग्राफर, फिर एज अ जज देखते आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा सीरियसनेस का जो मेरा, हर एक इंसान में अलग अलग भाव होते हैं, तो मेरा वो जो भाव है वो देखा था लोगों ने। फिर जब खतरा खतरा में एज अ गेस्ट बुलाना चालू हुआ था हर्ष और भारती ने, वहाँ पे जो मेरा एक अलग से एस्पेक्ट दिखाई दिया लाइट हार्टेडनेस का, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आई थिंक वही देख के चैनल ने सोचा कि मैं केपेबल हूँ ऐसा फन लाइट हार्टेड शो को एंकरिंग करने के लिए, होस्टिंग करने के लिए। तो इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ऑडियंस है उनको दिखाने के लिए। अगर उनको ये भी भाव उनका पसंद, मेरा पसंद है तो अच्छा है, नहीं पसंद है तो मेरा एक कोशिश है, प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें। देखो खींचम खाची तो चलती रहती है यार, मतलब वो हमेशा मेरा पैर खींचते रहता है, मैं भी उसका खींचते रहता हूँ। तो एज सच अगर दोस्ती सच्ची है तो जो इंसान बोलता है वो बुरा नहीं लगता है। तो उतना मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में, पर वो मेरी आज के एपिसोड में स्पेशली तो उसने इतनी खींची है मेरी, जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई, मतलब अनलिमिटेड लेवल का। अब तक है ना, इसके पहले का मैं भी एक होस्ट हूँ, वो भी एक होस्ट है, और हम बाकी सबकी लेते थे। आज वन साइडेड हो गया, मैं एक तरफ रह गया, बाकी सब एक तरफ हो गए, और इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा आगे के एपिसोड्स में, हर्ष की वाट लगाने वाला हूँ। गलती हो गई, क्या हो गया, गाना बजा। अभी जब भी गाना बजता है और एक लड़की है तो उसके साथ मैं पार्टनर डांस तो करता ही हूँ, मतलब ये तो मेरा एज ए डांसर जन्मसिद्ध अधिकार है, सो आई डिड दैट। अभी वो हर्ष ने क्या बना दिया और वो अर्चना क्या समझ गई, पुनीत जे पाठक का मैं पुन्नू हो गया। अरे यार भारी पड़ गया ये वो डांस, भारी पड़ गया। और ऊपर से मेरी बीवी पीछे है, शी इज़ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव्स, और उसके सामने ये सब हो रहा है यार। बैक स्टेज नहीं, मतलब कभी घर जाके पता चलेगा। अर्चना को मैं बोल दूं, बहना इसे सीरियसली मत लेना, ये हर्ष है, हर्ष ऐसे ही बोलते रहता है। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, अर्चना इज अ स्वीट हार्ट, शी इज वेरी स्वीट, वेरी गुड स्पोर्ट। काफ़ी चीज़ हम लोग उससे कराते हैं और वो कर लेती है खुशी खुशी। इतना सिंप्लिसिटी और इनोसेंस बहुत कम देखने को मिलता है आज की दुनिया में, शूट लाइफ में। सो शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर पीसेस, एंड इसलिए शायद बिग बॉस में भी लोगों ने इतना प्यार दिया था, जो है वो मुँह पे है। यहाँ पे भी शी इज़ बीन अ वेरी गुड स्पोर्ट। तो जब खतरा खतरा आया, वो एक एक्सपेरिमेंट था, पता नहीं था चलेगा कि नहीं चलेगा। एक्चुअली हर्ष जैसे अबॉर्ट करता था खतरों के खिलाड़ी में, और लोग उसके ऊपर हंसते थे, उसी चीज़ का वो पक्का गुजराती निकला, उसने एक फॉर्मेट बना दिया, और वही हंसी मजाक को, स्टंट्स को गेम्स बनाकर उसने एक शो, एक नया फॉर्मेट बनाया। यस एक्सपेरिमेंट था, बट वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जो मुझे फीडबैक आया कि दोस्त मिलके मस्ती कर रहे, बातें कर रहे, और ये शो हो रहा है। एवरी एज ग्रुप हैज़ अप्रिशिएटेड इट, सब ने, एंड स्पेशली फॉर मी, मेरा एक नया फैंडम खोला उसकी वजह से, दे सॉ मी इन अ डिफरेंट अवतार। उसी अवतार का एक और लेवल अप ये शो है, जहाँ पे गेम्स भी है, मस्ती मजाक है, नाच गाना है, बातें हैं, एंड एक अलग सेटअप है, यंग सेटअप है, जहाँ पे मैं और हर्ष है और हमारी नानी है,
जो गुजर गई, और उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी छोड़ी कि जितने भी गेस्ट हैं उनकी मेहमान नवाजी नहीं करनी बल्कि उनको टॉर्चर करना है। तो हम वही करते आ रहे हैं, एंड अब तक सोफा टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है और फीडबैक भी बहुत अच्छा है। आई होप जितना प्यार आपने खतरा खतरा के लिए दिया उससे डबल प्यार आप एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल को दो। अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे सीरियसली मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, साइटिका हुआ है। सो डॉक्टर ने डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी ना कहा है, तो अगर आप इस शो में देखोगे तो मैं इतने गेम्स नहीं कर पा रहा हूँ, मस्ती मजाक तो चल रहा है, तो जितना हो सके कर रहा हूँ, तो फॉर श्योर डांसिंग तो नहीं हो पा रही है, बट जैसे मैं रिकवर करूँगा येस आई विल गो बैक टू द कोरियोग्राफी एंड डांसिंग लेवल, एंड येस आई मिस इट। मैं सारे दर्शकों को, जितने लोग मुझे जिस भी अवतार में देखते और प्यार देते हैं, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और ऐसे प्यार बरकरार रखिए एंड कीप लविंग ऑल ऑफ अस, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू सी दिस शो कॉल्ड एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल कलर्स चैनल पर एवरी डे एवरी नाइट 10 PM।